आज मैं बनाने वाली हूँ अरवी के पत्ते और अरहर दाल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक कप दाल धो के ले लिया है और 8-10 अरवी के पत्ते मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। एकदम बारीक बारीक काट लेना है। और एक कुकर लिया है मैंने, अब मैं उसमें दाल डाल दूंगी और अरवी के पत्ते। अब मैं अपने हिसाब से पानी डाल लूँगी, जितना मुझे पानी चाहिए। और मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर 1 चम्मच। अब कुकर पे ढक्कन लगा के 4 सीटी लगने तक पका लेनी है। अब मैंने इसके तड़के के लिए लिया है 2 हरी मिर्च, 2 सूखी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 प्याज, 1 टमाटर, लहसुन। अब मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को गरम कर ले। जब तेल गरम हो जाए तो मैं उसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो मैं उसमें डालूंगी 2 सूखी मिर्च और हरी मिर्च। अब मैं डालूंगी इसमें लहसुन। लहसुन और हरी मिर्च भून जाए तब मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को भी अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेना है। हल्का कलर चेंज होने तक प्याज को भूनेंगे। प्याज का हल्का कलर चेंज हो गया है तो मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लेना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। थोड़ा ही नमक डालना है, नमक हमने दाल में भी डाला हुआ है। मैंने नमक इसमें टमाटर गलने के लिए डाला है तो नमक ध्यान से थोड़ा सा ही डालें। अब टमाटर पूरी तरह से गल चुका है। तो मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, सिर्फ 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। उसके बाद मैं दाल डाल दूंगी और दाल को 1 उबाल आने तक पकाएंगे। अच्छे से उबाल आने देनी है दाल में। अब दाल उबल गया है। दाल जब उबल जाए तो गैस को बंद कर देंगे हम। अब मैं इसे सर्व कर लूंगी। ऐसे दाल बनाने से बहुत स्वादिष्ट लगता है। एक बार आप जरूर बनाएं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।